H1 कोच है कि क्लास एसी में ट्रेवल करेंगे ना तो नॉर्मली मिलेगा, कुछ खास नहीं है इसमें। इस ट्रेन में ये लेकर के 2 बार चेन पुलिंग हो चुका है अभी प्रयाग। सेम टू सेम आपको सेकंड क्लास में भी और थर्ड एसी में भी, तीनों में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों फिलहाल मैं स्वागत करता हूँ छपरा जंक्शन से। अभी सुबह के 7 बजने वाला है और दोस्तों आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 15159 सारनाथ एक्सप्रेस में, जो कि छपरा से दूर के लिए चलती है। और भाई साहब, इस ट्रेन में हमने फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी सब जर्नी किया है, लेकिन फर्स्ट एसी में मुझे कूप कभी नहीं मिला था। तो आज हम इस ट्रेन में कूप की जर्नी करने वाले हैं। आज कूप का कैबिन मिल चुका है, तो चलिए कैसे क्या रहता है, काफ़ी मज़ेदारी सफ़र होने वाला है। और भाई साहब, लगेज और फैमिली के साथ सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा लगेज हो गया था। हमने सारा सामान सेट कर लिया है, चल के आपको कैबिन दिखाते हैं और जर्नी की शुरुआत करते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी कूप में जर्नी करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से पानी का बोतल खरीद लिया है, क्योंकि भाई साहब लंबा जर्नी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी छपरा में ही है और हमारे सामने ये ट्रेन लगी हुई है, तो चलिए अपने कैबिन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ऐसा है गाइस, सुबह सुबह का नज़ारा और बस कुछ ही सेकेंड में हमारी ट्रेन डिपार्ट करने वाली है यहाँ से। तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, कोच का H1 कोच है। तो हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो बिल्कुल ऑन टाइम 7:10 पे सारनाथ एक्सप्रेस डिपार्ट कर चुकी है छपरा से। इंटीरियर स्टार्ट होता है और नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ है। तो गाइस, कुछ ऐसा है कूप का इंटीरियर, आप देख सकते हैं सामने आपको ये छोटा सा मिरर मिलेगा, बाकी 2 चार्जिंग होल्डर है इसमें। और फिर से यहाँ पे भी आपको बड़ा सा एक मिरर देखने को मिलेगा, सामने गेट है। और बस इसमें 2 ही सीट होता है कूप में, तो ये लोअर बर्थ ये अपर बर्थ दोनों अपना है। बाकी लगेज लगेज तो काफ़ी ज़्यादा है, हम लगेज लेके काफ़ी ज़्यादा अब इस बार ट्रेवल कर रहे हैं। तो बस यही है अंदर का इंटीरियर, बाकी बेड सीट वगैरह सब अभी हम लोग बिछाएंगे। तो अगर आप सारनाथ एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल करेंगे ना तो नॉर्मली मिलेगा, कुछ खास नहीं है इसमें, क्योंकि एक तो पेंट्री कार नहीं है इसमें, साइड पेंट्री है, तो खाने पीने का सुविधा कोई मिलने वाला नहीं है आपको, टिकट के प्राइस में इंक्लूड होकर कुछ ऐसा आता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत है। लेकिन क्या करें, इस रूट के लिए यही ट्रेन है, तो वैसे ही जैसे मिल रहा है वैसे लेना पड़ेगा। तो चलिए आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं सारी आपको आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइस, अभी दिन के बज रहे हैं 11 और हम पहुंच चुके हैं औरिहार जंक्शन पे। वैसे हमारी ट्रेन जो है अभी 40 मिनट की देरी से चल रही है,
ओरियार के बारे में बता दूँ तो ओरियार में टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है और ये वाराणसी डिवीजन के नॉर्थ ईस्ट जोन में पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है ट्रेन का, यहाँ पर भी काफ़ी देर रुकी हुई है, ये आप देख लीजिए। तो देखते हैं कैसा इसका टाइमिंग रहता है, हमको बिलासपुर उतरना है तो बिलासपुर तक किस कैसे चलती है ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। तो गाइस लगभग 45 मिनट की देरी के बाद से अपनी ट्रेन पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन पे और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे वाराणसी जंक्शन के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 9 है और 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, भाई साहब इतनी लेट चल रही है ना क्या ही बताए। अभी देखते हैं क्या होता है। वाराणसी के बारे में बताऊँ तो ये लखनऊ डिवीजन के नॉर्दर्न रेलवे में पड़ता है। तो गाइस लगभग 333 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं प्रयाग जंक्शन पे। अभी ये प्रयागराज नहीं है, प्रयाग जंक्शन है और यहाँ पे हमारी ट्रेन आधा घंटा डिले आई है। वैसे ये इस ट्रेन में यही सब प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइमली नहीं चल रही है। बाकी यहाँ से डिपार्चर भी हॉर्न हो गया है, सिग्नल मिल चुका है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन यहाँ पर आके लगी है। ये देख लीजिए यहाँ पर इसके आने का टाइम 3:58 है पर 3:30 में आई है। चलिए फाइनली डिपार्ट कर चुके हैं हमारी ट्रेन यहाँ से। इस ट्रेन में ये लेकर के 2 बार चेन पुलिंग हो चुका है, अभी प्रयाग में ही है। तो चेन पुलिंग इस ट्रेन का नॉर्मल बात है, बार बार हो जा रहा है, इसी के चलते और डिले हो रही है ट्रेन, आधा घंटा ऐसे ही डिले है। देखिए डेस्टिनेशन पॉइंट तक की कितना डिले करती है। फर्स्ट एसी का वॉशरूम का कंडीशन सामने आपको ये देख रहा है, मिरर है, लाइट है, बेसिन है, बाकी पानी बाहर आ रहा है, लिक्विड सोप भी है और यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। बाकी नीचे का साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं ना फर्स्ट एसी क्लास में, सेम टू सेम आपको सेकंड क्लास में भी और थर्ड एसी में भी, तीनों में सेम जो भी इसमें जो भी फीचर्स दिया गया है सारी चीज़ें थर्ड क्लास में भी सेकेंड क्लास में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था, बाकी साफ सफाई इसमें अच्छा है। Thank you.